अगर कबीर साहब की बात मानी होती साथियों तो बहुत कुछ हमें मिल गया होता। कबीर साहब ने तो बहुत कुछ कहा लेकिन लोगों ने नहीं समझा साथियों। तथागत ने बहुत कुछ कहा लेकिन लोगों ने नहीं समझा। तो मैं कहना चाहूंगा कभी दलजीत सिंह भिंड वाले क्या लिखते हैं, अरे तुम तो महापुरुषों की संतान थे क्यों भेड़ बन रहे भैया। क्यों भेड़ बन रहे भैया, 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 तुम तो महापुरुषों की संतान हो, क्यों भेड़ बन रहे भैया, तुम महापुरुषों की संतान हो, क्यों भेड़ बन रहे भैया। साथियों जो भी बात कहूंगा वो संविधान के तहत कहूंगा, इतिहास के तहत कहूंगा। तो देखिए हमारे सबसे पहले महापुरुष कौन से आए, अरे गुरु रविदास संत भय ज्ञानी। गुरु रविदास संत भय ज्ञानी, अलख ज्योति उनने पहचानी, अलख ज्योति उनने पहचानी, साहब कबीर जगत में आए, साहब कबीर जगत में आए, और अरे निर्गुण ज्ञान हमें बतलाए, निर्गुण ज्ञान हमें बतलाए, निर्गुण ज्ञान हमें बतलाए, ताको अभी तक समझ न पाए, तुम समझ न पाए, हसे पोपन के फंद में पूजत हो काल का मैया। वो तुम्हें भजो काल का मैया, तुम तो महापुरुषों की संतान हो, क्यों बनते भेड़ बकरिया। महापुरुष कौन से आए, जो लोग इतिहास को पढ़े होंगे वो मेरी बात समझ रहे होंगे, अरे जेतवाराम फुले जी आए, जेतवाराम फुले जी आए, शिक्षा के द्वारे खुलवाए, शिक्षा के द्वारे खुलवाए। साथियों अगर जेतवा राम फुले साहब इस दुनिया में ना आते, माँ सावित्री बाई अगर इस दुनिया में ना आती साथियों, तो हमें ये शिक्षा का भी अधिकार नहीं मिलता। जेतवा राम फुले साहब माँ सावित्री बाई ने हमारे लोगों को सबसे पहले पढ़ाना शुरू किया था और सबसे पहले स्कूल खोला था साथियों। तो मैं कहना चाहूंगा अरे कर संघर्ष हक दिलवाए, सांची को दई लखाए झूठ की जीत को दई नैया।
संबे धान दे तुम्हें उबारे, संबे धान दे तुम्हें उबारे। अरे मर जाते, मर जाते उसी नाली में, डरे डरे सड़ जाते। अगर बाबा साहब ये संविधान ना लिखते साथियों, ये बोलने की भी ताकत, इस कुर्सियों पे बैठने की ताकत, इस मंच पे ये गरजने की ताकत सिर्फ सिर्फ बाबा साहब की बदौलत मिली है। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं साथियों, धुआं में लाठी घालते रहोगे कुछ नहीं मिलेगा। बात को सुननी चाहिए, बोल कहनी चाहिए, जिस बात में कुछ सार हो। और महापुरुषों ने वही बात कही है जो लोगों को हितों की हो। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अरे संविधान दे हमें उबारे, संविधान दे हमें उबारे, दल जीत ने कहीं पुकार के नहीं मिलता कोई सुनैया। तुम तो महापुरुषों की संतान हो, क्यों तेरे बन रहे भैया। कहना है कि जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात को पियो सुबह उतर जाएगी। पीना है तो भीम प्याला पीले बंदे, पीना है तो भीम प्याला पीले बंदे, तेरी सारी जिंदगी सबल जाएगी, तेरी सारी जिंदगी सबल जाएगी। लेकिन माया जी, 20 रुपया आधार ईमानी सम्मान है हमारे मन्नूलाल वर्मा खुले निवासी की तरफ से आए नबूत करते हैं। तुम्हारी बातों से और हमारी बातों से हमारे भाइयों को कुछ नहीं लेना देना। वो तो वही कहते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा और शाम को पौआ लेकर हम करेंगे पूरा। क्या बात है। तो साथियों देखिए, एक हम लाचार बहन और अपने पति से परेशान बहन की बात सुनाने जा रहा हूं, जिसका पति बहुत ड्रिंकिंग करता था, यानी दारू पीता था। हमें संचालक जी ने आज्ञा दी, इसलिए मैं बोल रहा हूं, भाई क्षमा चाहूंगा। 30 मिनट और टाइम है, ये मसीहा भीमराव अंबेडकर की बात चल रही, इसलिए आपके लिए 30 मिनट और। भैया जोरदार तालियां बजा दे बाबा साहब के लिए, हमारे लिए नहीं, हमें अपने लिए नहीं चाहिए साथियों।